हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 17,000 के मात्र आपके पास 4 शेयर्स आएंगे, लेकिन इन 4 शेयर्स, मैं कहूँगा ये शेयर्स नहीं, ये डायमंड्स हैं, डायमंड्स। और इन डायमंड्स की वैल्यू सब जानते हैं, चाहे किसी के पास शेयर हो या ना हो, इन डायमंड्स की वैल्यू हर कोई जानता है। जरा आप भी देखिए इस डायमंड को, और इस डायमंड को एक अपॉर्चुनिटी, इस डायमंड को बाई करने की, इस डायमंड को जमा करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। देखते हैं इस शेयर को इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है डीमैट अकाउंट की। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सीधे लेके चल रहा हूँ आपको डायमंड की तरफ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये नाम अपने आप में एक डायमंड। आप कहोगे अरे वाह, और जिसके पास ये शेयर है और अगर काफी लंबे समय से है वो तो इस डायमंड की वैल्यू की, मैं कहूंगा कण कण से अवगत होगा, अरे इसकी वैल्यू क्या है। जिसके पास शेयर नहीं है और उसने अगर एक बार भी इसको देखा है तो वो भी इसकी वैल्यू से अच्छे से अवगत होगा। बजाज फाइनेंस एक डाइवर्सिफाइड NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स, जबरदस्त शेयर है मार्केट में, 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, 4,232 का प्राइस है। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो 17,000 रुपये में आपके 4 ही शेयर्स आएंगे, लेकिन इन 4 शेयर्स की वैल्यू अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 45% अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की एवरेज 35% अपने आप में सारे नंबर्स बयां कर देती है। रिवेन्यू जो 2008-2009 में 500 करोड़ का भी नहीं था, आज की डेट में 20,000 करोड़ है, जो कि पूरी ग्रोथ की हिस्ट्री को अपने आप में बयां करता है कि ग्रोथ किस तरीके से इसमें हुई है। प्रॉफिट जो कभी 20 करोड़ 30 करोड़ हुआ करता था, आज की डेट में 4,500 करोड़ के पार है। आप खुद सोचिए समझिए, क्या ये आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही? ये ग्रोथ नहीं, ग्रोथ का मैं कहूंगा जबरदस्त कंपाउंडेड ग्रोथ आप इसको कहोगे। पिछले 10 साल का अगर प्रॉफिट का एवरेज देखा जाए तो मोर देन 60%, विच इज अ वेरी गुड, एक एक्सीलेंट नंबर मैं कहूंगा। ऐसा मार्केट में कोई गिने चुने शेयर है जिनका इतना जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ होता है। CAGR को अभी स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट को साइड में रख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पिछले 5 साल के एवरेज मोर देन 40%, पिछले 3 साल के मोर देन 44%। और अगर स्टॉक के प्राइस के CAGR को कहते हैं तो देखिए पिछले 10 साल का 62% का। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि भाई 50% का कोई स्टॉक CAGR दे ही नहीं सकता रिटर्न में। ये देखिए आप 10 साल में 62%, 5 साल 61%, पिछले 3 साल का 65% एंड लास्ट 1 ईयर का 66%। इट इज मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंसी ऑफ मोर देन 60%, दैट इज इंप्रेसिव, बहुत ही जबरदस्त। सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त। अब यही नहीं रुकेंगे, आगे देखेंगे इन नंबर्स को। रिजल्ट आप देखिए, क्वार्टर्स के अगर नंबर्स देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में 1377 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जो कि लास्ट ईयर सितंबर के कंपैरिजन में इंप्रेसिव जंप था, 920 से सीधे इस लेवल पे जाना। लेकिन अब जो नंबर से जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है ये देखिए। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, द क्वार्टर 3 रिजल्ट विल बी अपडेटेड ऑन 29th of January 2020। आज की डेट 18 जनवरी है, 10-11 दिन के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट आपको मैं अपडेट कर दिया करता हूँ। फिलहाल बजाज फाइनेंस में देखिए कारोबार 4,224 का लास्ट इसका प्राइस है, क्लोजिंग 4,231 की थी, लेकिन लास्ट प्राइस देखिए जो सब कैलकुलेशन के बाद दिखता है 4,224 का थोड़ा कम जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 40% की डिलीवरी फ्राइडे को हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल पार्ट पर मैं आपको लेके चलूंगा, टेक्निकल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता चाहे आप मानो या ना मानो। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि टेक्निकल पार्ट हमको बहुत चीज़ें बताता है। और लास्ट वीक की जो मैं कैंडल देख पा रहा हूँ, लास्ट वीक यानी कि 6 जनवरी वाली है जो वीक है, यहाँ पे आप ये कैंडल देखिए, ये वीकली कैंडल है। मैं बड़े टाइम फ्रेम से ड्रिल डाउन करता हुआ आवरली टाइम फ्रेम तक जाऊँगा, बड़े टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है वीकली। मैं जब भी आपको चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर बताता हूँ तो आप अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चीज़ को समझ लें। आपको टाइम फ्रेम जरूर वीकली, डेली, और उसके बाद आप आवरली बेसिस पर भी देखें, और आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का उसको समझने की कोशिश करें तो आप बहुत, आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा टेक्निकल से। ये वीकली चार्ट पर आप इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर लंबी लोअर शेडो, व्हाट इट मीन्स,
जरा साइकोलॉजी समझिए, लंबी लोअर शेडो जहां पे भी आपको अगर बॉटम पॉइंट पे देखने को मिल रही है, इसका मतलब सिंपल है, सेलर्स प्रेशराइज कर रहे थे शेयर को नीचे धकेलने का, लेकिन बायर का प्रेशर काफी ज्यादा था जिसकी वजह से शेयर को ऊपर पॉजिटिव में ये बिल्कुल लोअर बॉडी के साथ ये क्लोज हुआ, नीचे धकेला गया लेकिन बायर्स ने इसको वापस ऊपर धकेल दिया। ये सिंपल लैंग्वेज, इस तरीके से लोअर देखिए, अभी लंबी शेडो बॉटम पॉइंट पे आपने ये देखी है 22 जुलाई वाले वीक में किस तरीके से नीचे धकेला गया, फिर वापस धकेल दिया गया एंड लंबी लंबी ये शेडोज थी, उसके बाद क्या प्राइस में जंप आया, क्या वही मोमेंटम अभी आने वाला है? इस वीक की कैंडल को अगर मैं देखूं ये तो ये इस बॉटम इस जॉइंट वाले से, मैं आपको जब भी आपको बताता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और डेली लेवल पे ये देखिए, दिस इज हमारा जो वी हम कहते हैं वी पॉइंट, यानी कि पिवट काइंड ऑफ थिंग, दिस इज द पिवट, बुलिश पिवट। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिविटी आई है, अब बुलिश मोड में ये शेयर जा रहा है नहीं जा रहा वो इंपॉर्टेंट, अब छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये क्लोजिंग इससे ऊपर है, यानी कि एक पॉजिटिविटी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, विच इज इंप्रेसिव नंबर। आप देखिए यहाँ पे जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ये आपको और बहुत चीजें डिटेल में बताएगा, इस चीज़ को बड़ा ध्यान दें और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजाज फाइनेंस का शेयर अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पहली बार आपने देखा कि ये बॉटम पॉइंट पे इसने अपना सपोर्ट लेने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ऊपर गया, दिस इज़ जो रेंज आप देखते हो जो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो क्रिटिकल लेवल है जो क्रूशियल लेवल है इसको पार करने का वो डेली टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिल रहा है। द रेंज अभी यहाँ पे खरीदारी का मौका आप सोचोगे होगा लेकिन मुझे लगता है कि जो रेंज है उसको पार करना काफ़ी ज़रूरी है, और ये जो रेंज ये है हमारे पास 43 से ऊपर की ये जो रेंज है, ये जो बॉटम पॉइंट्स को अगर आप चार्ट को ड्रॉ करें, इन लाइन्स को ड्रॉ करें, और आपको ये देखने को मिलेगा कि इन पॉइंट्स को पार करने का काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको पार करेगा यहाँ पे तो फिर एक ब्रेकआउट के चांसेस आएंगे, और जब तक ये पार नहीं होते तब तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और कोई कैंडल इसको पार करके ऊपर क्लोज होती है तो ये एक स्ट्रांग पॉजिटिव नोड आपके लिए होगा, और साथ में रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट से पहले 2 हफ्ते हमारे पास है, उन 2 हफ्तों के अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप क्लियरली देखिए ये मोमेंटम आपको रिजल्ट से पहले वाले वीक्स में, जो प्राइसिंग रेंज अगर मैं आपको दिखाऊँ इन लाइन को ड्रॉ करता हुआ जो मुझे दिख रही है 4280 के आसपास, 4280 से 4290 के आसपास ये रेंज जो दिख रही है, ये रेंज पार होनी इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल बी अ ब्रेकआउट। अब इस ब्रेकआउट के लिए कई लोग होते हैं जो ट्रेडर माइंडसेट के होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, दे ऑलवेज प्ले दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ब्रेकआउट एंड ऑल, बट इस टाइम पे एक पॉजिटिव थिंग जरूर देखने को मिल रही है। वीकली के बेसिस से हम ड्रिल डाउन करके डेली पे आए, डेली से हम चलते हैं आवरली पे, आवरली पे क्या कुछ दिख रहा है देखिए, आवरली पे मैं जैसा देख पा रहा हूँ जो लाइन मैंने आपको देखी बहुत ही ज़बरदस्त जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आवरली पे 3952 की रेंज से जंप होते होते 4224 की रेंज तक जा चुका है, लेकिन जो मेन लाइन यहाँ पे दिख रही है 4295 की रेंज है, इसी की बात कर रहा था मैं जब देखें आवरली बेसिस पे, क्लियरली देख लीजिए आप। अब आवरली बेसिस पे जो मैं टाइम फ्रेम आपको अलग अलग अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये पुराना टाइम फ्रेम, इसके बाद ये मेन जोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और जिस तरीके से ये यहाँ पे आपने जो अलग अलग ये आवरली बेसिस की ये मूविंग एवरेजेस की लाइन है, ये 200 आवर की मूविंग एवरेज की लाइन है, देन अगेन वी हैव 50 आवर मूविंग एवरेज, देन अगेन वी हैव दिस इज 20 आवर मूविंग एवरेज, 20 आवर जब भी देखिए 20 आवर मूविंग एवरेज का सपोर्ट फिलहाल लेते हुए ऊपर को जा रहा है ये स्टॉक, और इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लाइन पे चल रहा है। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट के इंट्राडे के लिए, 15 मिनट 5 मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपने देखा किस तरीके से जो स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, 15 मिनट्स का मूविंग एवरेज की लाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कहूँगा जो क्रिटिकल पॉइंट है, देखिए करेक्शन जरूर आया फिर ऊपर जा रहा शेयर, हर बार आप देखिए चाहे आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखें और आपको एक तरीके की सिचुएशन हमेशा देखने को मिलती है, द अप ट्रेंड इज लाइक दिस, और किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें आप द अप ट्रेंड इज लाइक दिस एंड द डाउन ट्रेंड इज लाइक दिस, ये हल्के छोटे छोटे करेक्टिव फेजेस यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में, इनको कहते हैं हम करेक्टिव फेजेस, लेकिन ये हमारे जो है वो मेन फेजेस ये हैं, ये मेन जोन्स हैं, ये जंप ये यहाँ पे डाउन देखिए किस तरीके से है। तो ये अपडेट मैंने बजाज फाइनेंस के शेयर से रिलेटेड आपको किया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मुझे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ब्रेकआउट के पास शेयर आ रहा है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए, और रिजल्ट से पहले
यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस पूरे आएंगे। 29 जनवरी का रिजल्ट है, वो ध्यान में रखें पॉइंट को। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आपके पास 17,000 के कितने शेयर्स मिलेंगे आपको? 17,000 के आपको अगर शेयर्स की बात की जाए तो टोटल शेयर्स मिलेंगे मात्र 4 शेयर्स। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।